हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट का ईवीएस का चैप्टर नंबर 30। ओके, चैप्टर नंबर 30 है ये। वाटर, वाटर मींस क्या होता है? पानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को देख लेते हैं हम। इसमें क्या है? मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर। जो मैन होता है यानी कि आदमी जो होता है उसको, एनिमल्स को, जानवरों को और प्लांट्स को, जो हमारे पौधे होते हैं उनको नीड होती है। नीड मीन्स होता है ज़रूरत पानी की। ओके, नन कैन लिव विदाउट वाटर। इनमें से कोई भी नहीं जी सकता। लिव मीन्स होता है जीना। विदाउट वाटर, पानी के बिना इनमें से कोई भी नहीं जी सकता। वी नीड वाटर फॉर, हमको पानी की ज़रूरत होती है किस लिए? ड्रिंकिंग मीन्स होता है पीना, कुकिंग मीन्स खाना बनाना, ठीक है, बाथिंग मीन्स नहाने के लिए, और वॉशिंग क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स, और अपने कपड़े धोने के लिए और अलग अलग काम करने के लिए, क्लीनिंग होम्स अपने घरों को साफ करने के लिए, ग्रोइंग प्लांट्स अपने जो पौधे होते हैं उनको उगाने के लिए। तो हमें पानी की देखो कितनी सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है ना, पीने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी, नहाने के लिए भी, कपड़ों के लिए भी, अपने घर को साफ रखने के लिए भी, और अपने जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अब देखिए इसके सोर्सेज क्या हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज। वी गेट वाटर, हमको जो पानी होता है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम मैनी सोर्सेज, अलग अलग जगह से हम उसको लेते हैं। जैसे कि रेन्स, जब भी बारिश होती है तो पानी आता है ना आसमान से, रेन्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, लेक्स एंड पॉन्ड्स के थ्रू। लेक मीन क्या होती है? नदी, और पॉन्ड जो होती है ना जहाँ पर एक जगह पानी इकट्ठा रहता है उसको बोलते हैं पॉन्ड्स, तो वहाँ से हमें पानी मिलता है। वी यूज़ दिस वाटर बाय मीन्स ऑफ हैंड पम्प्स। और जो है कभी कभी हम इस पानी को कैसे यूज़ करते हैं? हैंड पंप की तरह, किसी चीज़ से, इस तरीके से। तो हैंड पंप आपने देखा होगा कहीं कहीं पर लगा हुआ होता है, अभी हर जगह नहीं दिखाई देता बट कुछ कुछ जगह पे अभी आप इसे देख सकते हैं, टैप से और ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल्स ये होते हैं, टैप ये होती है, ठीक है। हमने इसको, पानी को हम कहाँ से यूज़ कर सकते हैं? वेल से, टैप से और हैंड पंप से, ठीक है। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए? बिल्कुल साफ पानी। ओके, क्यों? अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, वी सिक। ओके, वाटर इज मेड डर्टी इन दिस वे। वाटर जो होता है उसको हम गंदा कर देते हैं या वो गंदा हो जाता है कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पे, सम पीपल थ्रू गार्बेज इन रिवर एंड पॉन्ड्स। कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गार्बेज को और जो भी कूड़ा होता है उनके घर का, आसपास का, उसको क्या करते हैं, रिवर्स और पॉन्ड्स के पास में फेंक देते हैं, उसमें फेंक देते हैं। थ्रो मीन्स फेंकना। ओके, तो उसको फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। ओके, सम वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पानी के अंदर क्लोथ्स मीन्स कपड़े और यूटेंसिल्स मीन्स अपने जो बर्तन होते हैं उनको वॉश करते हैं, तो जब वो उन गंदे को वॉश करते हैं तो वो पानी भी उससे गंदा हो जाता है। तो पानी को हमेशा हमें क्या करना है, साफ रखना है। हमें कोशिश करनी है कि पानी जितना हो सके उतना साफ रहे और हमको क्लीन वाटर ही पीना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे हम, एनिमल्स बाथिंग इन वाटर। कुछ लोग जो एनिमल्स को नहला देते हैं, कुछ एनिमल्स खुद भी नहाते हैं पानी के अंदर, तभी भी पानी जो होता है वो डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। थ्रोइंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। और जो फैक्ट्री में से जो भी सामान निकलता है, जो भी गंदगी निकलती है, वो भी लोग ज़्यादातर रिवर्स में, पॉन्ड्स में डाल देते हैं, तो उससे भी हमारा जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें क्या पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए? क्लीन वाटर, हमें एकदम साफ पानी पीना चाहिए। वी शुड बॉइल और फिल्टर द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। वी शुड बॉइल, हमें पानी को उबालना चाहिए या फिर फिल्टर द वाटर, वाटर को जो है फिल्टर करना चाहिए बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले। वाटर इज़ वेरी प्रीसियस। जो वाटर है हमारा वो प्राइजलेस है, मतलब उसका कोई प्राइज नहीं है, वो हमारे लिए बहुत अनमोल है। प्रीसियस मीन्स अनमोल होता है ना, जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसको हम खरीद नहीं सकते, ठीक है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। और हमें वाटर जो होता है उसको वेस्ट भी
नहीं करना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं ना आप कि ये ब्रश कर रहा है, पानी चल रहा है, गाड़ी वॉश कर रहा है, तो ये कितना पानी बहा रहा है ना। सो क्लोज द टैप, यू आर वेस्टिंग वाटर, ये बोल रहे हैं इससे, क्योंकि पानी जो है वेस्ट हो रहा है। हमको पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए लिस्ट फाइव यूजेज ऑफ वाटर, वाटर के जो है फाइव यूजेज जो होते हैं हमको वो लिखने हैं यहाँ पर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था ना, बाथिंग, ड्रिंकिंग और वॉश क्लोथिंग, इसी किसी जो होते हैं फाइव, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेम फाइव सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के फाइव सोर्सेज भी लिखने हैं आपको इसमें। और यहाँ पे लिखना है द नेम, नेम द थ्री वेज इन विच पीपल मेक द वाटर डर्टी, और थ्री नेम्स लिखने हैं उन चीज़ों के जिस तरीके से जो लोग हैं उसको पानी को गंदा कर रहे हैं, किस किस तरीके से लोग पानी को गंदा कर रहे हैं, जैसे कि एनिमल्स को नहला देते हैं उसके अंदर, गार्बेज डाल देते हैं उसके अंदर ना, फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है, जो भी ख़राब सामान होता है फैक्ट्रीज का, वो भी उसके अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है आप उसके अंदर लिख सकते हैं, उसको पॉइंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है हेल्थ, प्रीसीज, गार्बेज एंड क्लीन, ये सब कैसे हैं, ये सब चैप्टर्स के अंदर थे। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, डर्टी वाटर इज बैड फॉर हेल्थ, डर्टी वाटर इज बैड फॉर हेल्थ। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हेल्थ सेकेंड वाला। वाटर इज प्रीसीस, वाटर इज प्रीसीस, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट। ओके, सम पीपल थ्रो गार्बेज इन रिवर्स, ओके सम पीपल थ्रो गार्बेज इन रिवर्स। सो नेक्स्ट है इसमें दीज आर फाइव सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के फाइव सोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पे। लेटर्स आर जम्बल्ड, जम्बल्ड लेटर्स पता है ना आपको कि कोई भी एक वर्ड होता है उसके जो लेटर्स होते हैं उनको घुमा फिरा के रख दिया जाता है, तो अनजम्बल द लेटर्स टू फॉर्म करेक्ट वर्ड। अब हमें इसको करेक्ट वर्ड बनाना है, जैसे कि ये है फर्स्ट वाला, इससे क्या बन जाएगा रेन। ओके, नेक्स्ट वाला है इससे बन जाएगा रिवर, ये ओके एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट ये जो है ये इससे क्या बन जाएगा आप खुद से देखिए, ये है नेक्स्ट, ये वाला तो है टैप, ये क्या है बताइए, ये वाला क्या है कैनल्स। ओके, ये वाला क्या है, क्या है ये पॉन्ड्स। ओके, इस तरीके से आप इनको वर्ड्स को बना सकते हो, आपके एग्जाम्स में भी इस तरीके से आ सकते हैं, बहुत सही रहता है। बच्चों को इस तरीके से आप तैयारी ज़रूर करवाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बाय।